क्लास क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? जी मैम, मैम क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन दिखाइएगा। मेरे पास इस वक्त सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या मसला आ रहा है। वैसे मैम थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना उसका थोड़ा सा बता दें। वो इक्वल में एक मैट्रिक्स आ रहा तो उसका थोड़ा सा नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसमें ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। अभी आपकी क्लास के पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं, उनको हो लेने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ, ताकि उनमें से भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, ओके मैम। ठीक है, फिर मैं दोबारा से रीटाइप करूंगी, फिर एक दफा करना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कहता है उस मैट्रिक्स को आपने शो करना है। शो डेट ए स्क्वेयर माइनस फोर ए माइनस फाइव आइडेंटिटी। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का स्क्वेयर लेना है, ए स्क्वेयर यानी कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस फोर ए मीन के आपने मैट्रिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेना है आपने 3x3 का लेना है, क्योंकि हमारा गिवन मैट्रिक्स 3x3 का है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहता है तीनों जो चीज़ें हैं कंबाइन करनी है, स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आइडेंटिटी, तो आपका रिजल्टेंट पे आंसर ये आएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जो आपने पहले ऑटोमेटिकली स्क्वायर लिया होगा उसी को दोबारा से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, 1 की पावर 3 आ जाएगी। स्क्वेयर वाला भी आपने लिया है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स ओरिजिनल उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इनको आप 1 by 1 मल्टीप्लाई ना करें, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इसको कंबाइन एक दफ़ा ही साथ में मेंशन करते हुए साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ 1 by 1 सॉल्व करते जाएं, और आपका जो आंसर है वो कहता है किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है, आप क्लियर हो गए कि ओके मैम। क्वेश्चन के अंदर करना क्या है? जी मैम। जी जी मैम। ठीक है, उसके बाद अब हम दोबारा से अपनी जो वापस जहाँ पे हमने लेक्चर को स्टॉप किया था वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ है, सिर्फ बेसिक करवा रही हूँ इसलिए मैं दोबारा से इसको करवा रही हूँ। सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि मैट्रिक्स का टॉपिक्स के साथ साथ जो आपके पास टॉपिक्स हैं प्रीवियस वाले भी उसके अकॉर्डिंग ही अगर MCQs आते हैं, इसके अंदर बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं MCQs से रिलेटेड, तो आप लोग बाद में जो फर्दर लास्ट पे तैयारी अच्छे से खुद ही कर सको, साथ साथ इसको कवर कर लें। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, पावर्स लेते हैं आंसर 0 आता है तो निलपोटेंट है, अडेम्पोटेंट में स्क्वायर लेंगे मैट्रिक्स का यानी कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है, निलपोटेंसी में उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब तक जब तक मैट्रिक्स वापस नहीं आ जाता, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज के अंदर या तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। कहता है कन्वर्ट करने के बाद अगर मैट्रिक्स का आंसर सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक ये एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लूंगी, ट्रांसपोज लूंगी तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगी, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, अगर इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ तो देखें वहाँ 1 2 3 ऑटोमेटिकली वही चीज़ है। सेकेंड रो लेती हूँ 2 4 -3, उसको सेकेंड कॉलम में लिखती हूँ तो वो फिर वही चीज़ है, 2 4 -3 बनती है, मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स रहेगा, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंडली अब इसकी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ आए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ उसने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, एक ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लूंगी,
ट्रांसपोज लेने से, अगर आप देखें फर्स्ट रो को, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ 0 -2 3, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, अगर मैं इसे फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ तो फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखने से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3, सॉरी 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन लूंगी तो फिर मेरे पास ये मैट्रिक्स दोबारा से इसी मैट्रिक्स में ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप के मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद फर्दर जो है उसने टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज दिखाई। एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज है लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आता है तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स बी एज इट इज है कि उसका बी है, एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज रहती है वही मैट्रिक्स आता है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो रिजल्टेंट पे आंसर जो है, यानी कि राइट साइड पे हमें मैट्रिक्स को पहले बी वाले को ट्रांसपोज लेके फिर ए वाले को ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो इक्वल आता है। जैसे इन जनरल में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सिमिलरली ए बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज के फॉर्म में इक्वल नहीं होता, ये भी ऑपोजिट फॉर्म ही आती है। अब इससे नेक्स्ट पे हमारे पास है, क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगी, आप सारे से पहले फिर डेफिनेशंस कंप्लीट कर लें। हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये एक मैथमेटिशियन था चार्ल्स हर्मिट, उसने अपने नेम के साथ ही इसे डिफाइन किया था। मैट्रिक्स जो हम पहले ऊपर करके हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिंपल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग थे जिसके अंदर 3, 2, 4 माइनस के साथ नंबरिंग आती हैं। लेकिन कम्प्लेक्स की जब एंट्रीज आ जाएं मैट्रिक्स के अंदर तो जो ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज नहीं वो कहलाता, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। हर्मिशियन ने ट्रांसपोज वाली ही फॉर्म अपने ही नेम से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर इंट्रोड्यूशन की थी अपने ही नेम के साथ की थी। एक कोई सा भी मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है यानी कि अयोटा वाले नंबर आते हैं, देन द मैट्रिक्स ए आई जे, इसके ऊपर बार नजर आ रही है, उसके कॉन्जुगेट की बार है, जो हम पहले भी कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर के अंदर, जो पहला चैप्टर था वो कॉम्प्लेक्स नंबर से था। ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ईच ए आई जे बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेते हैं तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अयोटा होता है अयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं अयोटा वाला साइन आ जाता है तो वहाँ पे कॉन्जुगेट जो है वो ट्रांसपोज के साथ लिया नहीं जाता, वहाँ पे हर्मिशियन जो है वो स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन आती है। इस कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉन्जुगेट, हम कॉन्जुगेट को मैट्रिक्स के को बार से डिनोट करते हैं। अब ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है इज कॉल्ड हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कहलाएगा। सारी डिटेल यहाँ पे नोट्स में भी मेंशन किया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स हर्मिट। चार्ल्स हर्मिट ने इसको नेम दिया था 1822 से 1901 तक उसका ड्यूरेशन था। एंड आल्सो इज डिनोटेड बाय ए एच, ए के ऊपर जो है एच का साइन है, इसकी पावर नहीं है, ये सिर्फ हर्मिशियन को डिनोट कर रहा है कि ये हमने ट्रांसपोज की फॉर्म ली है लेकिन कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स की। ए हर्मिशियन इज इक्वल टू ए देन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी फॉर विच ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको डिनोट करने के लिए हम सेम इसी तरह जैसे ए की पावर के ऊपर एच लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस ए भी डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे सिंपल भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर द ट्रू टाइप्स ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए एंड बी नीड नॉट बी हर्मिशियन, उनका हर्मिशियन होना कहता है जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके उसका हर्मिशियन लें या दोनों को सेपरेट लें तो दोनों के सेपरेट का आंसर किस कंडीशन में इक्वल आएगा कि बी वाला पहले आएगा और ए वाला बाद में आएगा। इन जनरल बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, सो आवर गिवन कंडीशन जो है वो हमारी किस कंडीशन में होगी कि ए बी जैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करें उनका सम सेम है। इसी तरह दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जब उनका हर्मिशन लें या दोनों का सेपरेट लेके हर्मिशन दें तो पहले वाला बाद में, पहले वाला बाद वाला पहले लिखा जाता है। However, if A and B are comfortable for multiplication, then B transpose A B and further transpose है is equal to B transpose A transpose and B. अब ये जो B, ये 3 के लिए combination उसने B है, ये जो B पहले वाला है अगर आप देखें ये बाद में चला गया transpose लेने से, किसी भी matrix के transpose का दोबारा से transpose लें तो दोबारा वही matrix आ जाता है।
ये लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर की प्रॉपर्टीज थी थोड़ी सी ट्रांसपोज वाली, वो भी नोट्स के अंदर है, वो भी मैंने वहाँ पे डिफाइन की थी, यही चीज़ यहाँ पे फिर डिफाइन है। एग्जाम्पल है आगे, एक मैट्रिक्स है ए, कोई सा भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज वाला है, इसमें अयोटा वाला साइन आ रहा है, इट्स मीन ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इसका कॉन्जुगेट लूंगी सबसे पहले, इसमें ट्रांसपोज नहीं होता, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले मैट्रिसेस आते हैं वो ट्रांसपोज या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली फॉर्म नहीं बनती, उसमें हर्मिशियन फॉर्म बनती है, उसको हम स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें पहले उनका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूंगी सबसे पहले, कॉन्जुगेट लूंगी तो जहाँ जहाँ भी एटा वाली आइडेंटिटीज हैं, अगर आप देखें माइनस एटा प्लस एटा में कन्वर्ट हो गया, और प्लस जो है वो माइनस में, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करता है, वो उसका इन्वर्स कहलाता है। अब उसका फर्दर हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेके देखें आंसर दोबारा से, आपके पास ए आंसर आ गया, जो गिवन मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आ गया। इट्स मीन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स बिकॉज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 11, ए इज इक्वल टू अयोटा 1 माइनस एटा 2 माइनस 1 माइनस एटा 3 अयोटा 1 अयोटा -2 अयोटा 0। इट इज इजी टू वेरीफाई डैट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद से कर लेना है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अयोटा वाली जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12, शो डैट फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम वाइज उसने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, शो डैट फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए। अब ए के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं दी, कोई सा भी ए मैट्रिक्स है, इसको मैं 2x2 मैट्रिक्स की एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करूंगी। 2x2 का मैट्रिक्स हम यहाँ पे लेंगे और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। जो यहाँ पे कंडीशन सॉल्व की हुई है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इनको आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना, ये पहले भी कर चुकी हूँ, यही सारी चीज़ें वही रिपीट हैं, दोबारा से फिर रिपीट करूंगी क्योंकि एमसीक्यूज के लिए ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें या दोनों को सेपरेट ट्रांसपोज लें फिर ऐड कर लें, दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं। ये ट्रांसपोज वाली जो प्रॉपर्टीज की थी ये वहीं से यहाँ पे यूज किया हुआ है, वेयर वो यूज द रिजल्ट यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें, वही चीज वापस आ जाती है। देन कहता है बाय दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई मैट्रिक्स है उसके साथ उसका ट्रांसपोज लेके ऐड किया जा रहा है, फिर फर्दर आप उसका ट्रांसपोज लें, तो कंडीशन के तौर पर हमारे पास यही चीज सर्टिफाई होती है कि दोबारा से वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज़ नेगेटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए भी सेम वही चीज़ है जो ऊपर डिफाइन किया उसने, वही यहाँ पे यूज की हुई है। अब इसको मैं सेकेंडली सेकेंड वे में इसको सॉल्व आउट करूंगी, जनरल फॉर्म के निकाल के इसको हम मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स लूंगी। 2x2 के लिए बात जो ट्रू हो रही है वही 3x3 के लिए। अब 2x2 का मैट्रिक्स आप लोगों ने मुझे खुद से कोई सा भी बताना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स लिखूंगी मैं यहाँ पे, कोई सा भी मैट्रिक्स लिखवाएं। लाइक मैं इसे नेम देती हूँ ए इज इक्वल टू, अब इसकी एलिमेंट्स लिखवाएं। देखो 1 3 4 7 कुछ भी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, हमने शो जो चीज करनी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, उसके बाद इसकी वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करूंगी। कोई सा भी ए मैट्रिक्स है हमने लेट कर लिया, हमने जो चीज शो करनी है वो ये चीज है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
नेगेटिव वाला बाद में करते हैं, अभी पहले पॉजिटिव वाला करते हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो देन वो जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट के तौर पे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो अभी जो हमने चीज करनी है मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज लेके उसको ऐड करना है। मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है ए एंड फर्दर मैट्रिक्स जो है उसके साथ ए का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखूंगी मैं यहाँ पे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 फोर सेवन। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 1 3 फोर सेवन। मैंने रोज को जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट किया है, कॉलम्स को रोज में लें एक ही बात होती है, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका आंसर भी इसके आगे ही लिख रही हूँ, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 3 को 4 में ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 4 एंड 3 अगेन 7 7 एंड 7 14। अब हमने इसको शो करना है कि ये हमारे पास जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही कंडीशन उसने दी है कि ये जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है इसको आपने सिमेट्रिक शो करना है इज इक्वल टू। क्या मैं इसको मेंशन कर दूं यहाँ पे कि ये मेरे पास सिमेट्रिक की ही कंडीशन है, डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई हो गई है नहीं। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ये देखें इस मैट्रिक्स का ये 2 7 फिर 2 7 में 7 14 अगेन 7 14 ही रहेगा क्योंकि इसमें डायगोनल्स की एंट्रीज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा और 7 7 की भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, वो एज इट इज ही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्लास? अब जो सेकंड वाला इसके अंदर ऑप्शन है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आप लोगों ने खुद से कर लेना है क्योंकि इसी टाइप का जो है यही मैट्रिक्स बेशक ले लें या कोई और मैट्रिक्स ले लें उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। नीचे थोड़ा सा उसने रिजल्ट दिए हैं, लेट ए एंड बी बी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए एच एच, यानी कि ए मैट्रिक्स का हर्मिशियन लें और दोबारा उसका हर्मिशियन मैट्रिक्स लें तो एज इट इज ही मैट्रिक्स ए आ जाता है। जैसे ट्रांसपोज लेंगे ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स वापस आ जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी एज इट इज ही आता है। कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे वही मैट्रिक्स आ जाता है। ए प्लस बी हर्मिशियन, दो मैट्रिसेस की एडिशन लेके उसके स्क्यू हर्मिशियन शो करना है तो दोनों को अगर सेपरेट लें तब भी दोनों की एडिशन कर लें तब भी दोनों कंडीशन सेम है। उसके बाद अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, हर्मिशियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट और ट्रांसपोज सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स पे रहता है, कांस्टेंट के ऊपर जो है वो हमारे पास ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज ही बाहर आ जाता है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका कंजुगेट लेके ट्रांसपोज लें या दोनों का सेपरेट लेके मल्टीप्लाई कर लें दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसके बाद जो है वो बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर दो मैट्रिक्स लिखें ए एंड बी, दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस ले लें। इन जनरल प्रूफ करना है, सॉरी इसको आपने डिफरेंट मैट्रिसेस नहीं लेने, आप ए मैट्रिक्स लिखें
A11, A12, A13, A14, या आप सेकेंडली उसको ए बी सी डी लिख लें। लिखे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, पहली रो में लिखें ए बी, सेकेंड रो में लिखें सी डी। मैं इसको सिर्फ 2x2 के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करवा रही हूँ, 3x3 के लिए भी ये चीज़ सेम है। क्लास कॉपी पेंसिल है आपके पास? जी है। लेट करें मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में लिखें ए बी, सेकेंड रो में लिखें सी एंड डी। बी मैट्रिक्स लिखें, फर्स्ट रो में लिखें ई एफ, सेकेंड रो में लिखें जी एच। दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर लें जरा जल्दी से। क्वेश्चन सॉल्व करें या मैं खुद करवा दूं? कर रहे हैं मैम। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है? ए और बी को पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद उनको आपस में ए बी ए प्लस बी करें, जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स को आपने ऐड किया है ए प्लस बी, जो भी इसका मैट्रिक्स आया है उसको दोबारा उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। हो गया मैम। अब जो इसकी राइट साइड है, राइट साइड को आप लोगों ने प्रूफ करना है सेम इसी मैट्रिक्स के साथ। और इसकी जो राइट साइड आपके पास यहाँ पे दी हुई है, फॉर्मूला जो हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए वाले मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, उसके बाद बी वाले को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, और ए और बी को करें साथ में। ये सारा कंबाइन लिख के एक दफा ही कर लें लाइन के अंदर ही, बार बार इसको सेपरेट सेपरेट लिख के फिर ऐड करेंगे तो वो काफी लेंथी हो जाता है। मैम प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? प्लस करके मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड जो है ये वाली सॉल्व करनी है हमने, जो आपने मैट्रिक्स लिया हुआ है ए, उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके मैम। ठीक है, अब हमने जो वर्क करना है वो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, आपने एक ही लाइन के अंदर उसको लिख लें, बार बार रे बेशक नहीं करें। ए पावर 2 प्लस 2 ए बी बी पार 2।
सारा एक ही बार में लिखें और इसके आगे या इसके नीचे लिख लें जो इसका मेन प्रोसेस है, बल्कि मैं इसके आगे ही लिखती हूँ। ए डॉट ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस टू ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी एज इट इज ही इसके नीचे लिखें, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर बी बी को मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसका आंसर चेक करें। सिर्फ फर्स्ट वाला अगर आप एलिमेंट चेक करेंगे उसी से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये इक्वल नहीं है इसके, जो हमने ये आंसर निकाला है ए प्लस बी का स्क्वेयर करके उसके इक्वल नहीं है ये। ये इन जनरल प्रूफ करने के लिए बोला गया था, अदरवाइज ये बात जो है ये मुख्तलिफ जो मैट्रिसेस हैं उसके लिए डिफरेंट होती है। कुछ मैट्रिसेस के लिए ये होल्ड भी करती है लेकिन सबके लिए होल्ड नहीं करती। उन मैट्रिसेस के अंदर ज्यादा एलिमेंट जीरो होंगे तो होल्ड करती है, अदरवाइज वो भी होल्ड नहीं करती। इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि इन जनरल हमने ये चीज प्रूफ करनी है कोई से भी दो मैट्रिसेस लेके। इसको सिर्फ मैंने इन जनरल मैट्रिक्स लेके सिर्फ इसलिए प्रूफ किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन हो सके कि मैट्रिसेस जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अदरवाइज हमने इसको थ्योरेटिकली थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखना था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो डैट गिवन फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता इन मैट्रिसेस फॉर्म। अदरवाइज ये फार्मूला तमाम नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। आतिफ मैंने यही बताया, अगर मैट्रिक्स के अंदर ये जनरल मैट्रिक्स के लिए बोला गया था इसलिए मैंने ए बी सी डी लिया है। आप इसमें जीरो जीरो ले लें या आप इसमें कोई और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया था कि अगर आप इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो वन और जीरो का कम्बिनेशन ज्यादा लेंगे तो ये जीरो जीरो के अलावा उस मैट्रिसेस के लिए भी सेटिस्फाई कर सकती है। इसमें इन जनरल इसलिए यूज किया हुआ है। माइक बंद करें, माइक ऑन है। मोहम्मद शाहजेब आपका माइक ऑन है। अदरवाइज ये बहुत सारे मैट्रिसेस के लिए चीज सेटिस्फाई होती है। जनरल्स हमने इस कंडीशन में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो ए बी आ रहा है वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो बी ए हमने भी किया पहले भी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वैल्यू सेम नहीं आती इसलिए हमारे पास जो है वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। सॉल्व कर लिया सबने। इसमें जो सेकेंड वाला है इसको आप वैल्यूज डिफरेंट लेके सॉल्व कर लें या यही मैट्रिसेस की वैल्यूज लेके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो आपने ये ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर निकाला होगा इसी को यहाँ पे यूज कीजिएगा। दोबारा से फिर रिपीट मत कीजिएगा सारा का सारा क्योंकि जर्नल्स हैं, इसमें ये जर्नल्स फॉर्म में प्रूव करने के लिए सारी डिटेल करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। ए माइनस बी कीजिएगा, ए प्लस बी दो मैट्रिसेस आएंगे उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करके लेफ्ट और राइट साइड देखिएगा, दोनों सेम नहीं आती। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10।
शो डेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम आर, रियल नंबर से एंट्रीज लेंगे, कैन बी रिटन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इलिया आपके जो नेट है उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज मेरी तरफ से वॉइस जो है वो क्लियर है. बस क्लियर है आपकी? इलिया आपके नेट में प्रॉब्लम है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बाकी सबको? अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज जो एग्जांपल सॉरी की थी हम लोगों ने, एग्जांपल को मैंने मैट्रिक्स लेके सॉल्व किया है. एग्जांपल नंबर 12 ये इन जनरल प्रूफ की हुई है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लेके इसको प्रूफ किया है. जनरल फॉर्म में कैसे की हुई है वो भी बता दिया कि हमने प्रीवियस रिजल्ट लेके इसको यहाँ पे सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 10 और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे विद रियल एंट्रीज उसने बोला है आप इसमें रियल एंट्रीज ले लें, आप इसको जनरल फॉर्म में प्रूफ कर लें, किसी भी कंडीशन के साथ आप इसे प्रूफ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने वही एंट्रीज लेनी है. आप यहाँ पे 2x2 के मैट्रिसेस लेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था ए मैट्रिक्स लिया था, ए का ट्रांसपोज लिया था और रिजल्टेंट पे जो भी मैट्रिक्स बना था उसका ट्रांसपोज लिया था तो वो इक्वल ही आया था इसी मैट्रिक्स के. यहाँ पे कहता है दो मैट्रिक्स लेने हैं आपने, किस फॉर्म के बी और डी बनाने हैं, कि हमने एक मैट्रिक्स चूज करना है ए, दोनों को ट्रांसपोज लेते हुए ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी, तो दो मैट्रिक्स बनेंगे बी और डी. उनमें से 2 कॉमन आएगा, नहीं आएगा तो आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1/2 से. ये जो रिजल्ट बनेगा जो मैट्रिक्स आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, फिर बताना है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा या नहीं आएगा. अगर इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा. मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस करके उसको 2 से डिवाइड करें, कॉमन ले लें, दोनों में से जो सी मर्जी कंडीशन लें. उसको नेम दिया है सिर्फ यहाँ पे डी मैट्रिक्स का, जो पहले मैंने किया था मैंने उसको नेम नहीं दिया, मैंने उसको एज इट इज ही लिया है, एज इट इज ही रहने दिया. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें शो डेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी कैन बी रिटन एज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. यहाँ पे देखें एंट्रीज फ्रॉम सी इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि हर्मिशियन का वर्ड यूज किया है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसमें कॉन्जुगेट आता है और कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट नहीं होता. इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट की कंडीशन के लिए आप अयोटा वाला कोई सा भी मैट्रिक्स ले लें, लाइक 2 - iota 2 1 3 iota, कुछ भी आप इसमें लेके उसमें ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लेंगी, फॉर्म करने के बाद आपने उसको ऐड करना है जो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स का फिर कंजुगेट लेके ट्रांसपोज लेंगे, उसको हर्मिशन शो करना है और स्क्यू हर्मिशन की फॉर्म शो करनी है. क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक हैं, इट्स मीन कि उनका ट्रांसपोज लें वही मैट्रिक्स वापस आए, देन प्रूव डैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, देन प्रूव डैट ए बी इज सिमेट्रिक. हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ए बी इज सिमेट्रिक, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लेना, अगर वही मैट्रिक्स वापस आ रहा है इट्स मीन वो सिमेट्रिक है. इफ एंड इफ ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, अगर ए और बी कहता है सिमेट्रिक फॉर्म है तो बी और ए भी हमने फाइंड करना है और ए बी इज इक्वल टू बी ए वाली भी कंडीशन हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है. उसके बाद आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स चूज करते हुए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, देख के उसको चूज करना है कि ट्रांसपोज आ रहा है या नहीं आ रहा, अदरवाइज बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज सेम ही है, डिफरेंस कोई नहीं है इनमें. इफ ए इज एन एम क्रॉस एम मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पी इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन प्रूव डैट बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी इज सिमेट्रिक. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 13. बाकी जो क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16, 17, 18 तक जो क्वेश्चंस हैं
ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, और ये खुद से करने के बाद इसकी पीडीएफ भी बनानी है आप लोगों ने। आते फिर में आप जनरल मैट्रिक्स ले लें, या आप इनको नंबर ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर हरमिशन वालों में चूज करें, और उसके अलावा आप रियल वाले जो मैट्रिक्सेस हैं उसके अंदर आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी चूज कर लें। कंडीशन उसने साथ में दी हुई है कि किस तरह आपने इनको चूज करना है। आपने इनको एज इट इज ही चूज नहीं करना कि मैं यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 ले लूँ तो मेरे पास ये देखें ये सेकंड वाला यही 12 वाला जो क्वेश्चन है यही सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं मैट्रिक्स ए लेती हूँ 1, 2, 3, 4 आइडेंटिटीज के साथ, तो मेरे पास अगर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आएगा क्योंकि उसका ट्रांसपोज इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग चूज करने हैं। आप जनरल चूज कर लें, नंबर चूज कर लें, या पे डिपेंड कर रहे। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के साथ, जो क्लास है थर्सडे में क्लास है, क्वेश्चन नंबर सॉरी वेडनेसडे में क्लास है। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने डिफाइन किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सारे के सारे एज इट इज ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 9 क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने वेनसडे तक सॉल्व करने हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इनको आपने पेजेस पे लिखना है, सॉल्व करना है, पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना के अपनी सेव करनी है। मुझे किसी ने व्हाट्सएप नहीं करनी। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना है, मैं इनको पोर्टल पे अपलोड करूंगी। आप लोगों ने अपनी एज ए असाइनमेंट इसको वहां पे अपलोड करना है। ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगी। जहां से भी प्रॉब्लम होगी सिर्फ वही करवाऊंगी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी। सीआर अटेंडेंस ले लें, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।